अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हो ग्रोइंग कश्मीर और मैं मुजफ्फर अहमद। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है मिनी सेक्ट्रेट के सामने, जहां पर आप देख सकते हो, मैं आपको विजुअल दिखाऊंगा। ये एक मिनी सेक्ट्रेट है, कुल इसका काम जो है वो ठप पड़ा है, वो नामकमल है। अगर देखा जाएगा यहाँ पर ADC ऑफिस जो है वहाँ पे उतनी जगह नहीं है बैठने के लिए, इसीलिए सरकार ने एक ठोस कदम उठाया था कि यहाँ पर त्राल में एक मिनी सेक्ट्रेट होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती की वजह से ये कहना पड़ रहा है कि आज तक इस मिनी सेक्ट्रेट का काम जो है वो ठप पड़ा है। यहाँ के लोग जो है वो भी सरकार से नाराज़ है, क्योंकि जो मिनी सेक्ट्रेट का काम जो है वो ऐसे यहाँ त्राल में, त्राल सब डिस्ट्रिक्ट में मिनी सेक्ट्रेट का काम 2017 में शुरू हुआ। उस रोज़ सरकार ने ये दावा किया था कि इसको जल्द एक दो साल में मुकम्मल किया जाएगा, ताकि यहाँ लोगों को सहूलियात मैसर हों। लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। यहाँ ADC ऑफिस है, वहाँ तहसील ऑफिस है, दीगर ऑफिस है, वहाँ पे लोग, वहाँ इतनी जगह भी नहीं है कि लोग जमा हो सकें, लोगों को ठोकरी खानी पड़ती है। इसलिए सरकार ने एक अच्छा फैसला लिया था कि मिनी सेक्ट्रेट एक ही छत के नीचे आए तो लोगों को सहूलियात मिल सके। लेकिन बदकिस्मती से पहला जो उन्होंने काम शुरू किया था, उस वक्त शायद 1 करोड़ रुपया उन्होंने वागुजार किया था, तो उसमें भी 50% शायद उन्होंने वहाँ काम किया है उस 1 करोड़ में भी। फिर सरकार गहरी नींद सो गई, वहाँ पे कोई काम नहीं चल रहा है। हमने पिछली दफ़ा भी सरकार से गुजारिश की थी कि जल्द इसका काम मुकम्मल किया जाए, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। हमारी यही गुजारिश है LG साहब से, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, DC साहब से, कि इसका काम जल्द हाथ में ले लें, ताकि लोगों को यहाँ मुश्किलात झेलना ना पड़े। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ़।